नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिस पे एक जानकारी दूंगा मैं आपको कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। ये आप पहले भी खबर देख चुके होंगे कि अपडेट हो चुकी है। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर व्हाट्सएप ना चलाएं तो क्या चलाएं, क्या सिक्योर होगा? क्योंकि व्हाट्सएप अब ये करने वाला है कि प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने के बाद कि जो हमारा डाटा होगा या जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करेगा वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। अब ये सब होने वाला है और आपकी जो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री होगी, जो आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूज करते थे करोगे तो वो भी अगर शेयर हो सकता है, ये भी इस बात का डर है। तो अब व्हाट्सएप डिलीट करें या कंटिन्यू करें, 8 फरवरी तक का समय है, उसमें डिलीट करना हो तो डिलीट कर दो या फिर रखना तो रख लो। लेकिन आप सभी की नजर में व्हाट्सएप डिलीट करके क्या आप यूज करना चाहेंगे, प्लीज मुझे भी कमेंट बताएं और सजेशन दें कि मैं क्या यूज करूं। क्योंकि व्हाट्सएप एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जो सभी यूज कर रहे थे, लत लग चुकी थी सभी को व्हाट्सएप चलाने की। अब उसकी जगह कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाए ये देखा जाएगा, और डिलीट करना नहीं करना और डिलीट करने का सही प्रोसेस क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग भी डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं कि व्हाट्सएप को दबाया और इंस्टॉल कर दिया हो गया डिलीट, नहीं, आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना होगा, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करें, जरूर बताएं कि अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट करेंगे तो कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करना चाहेंगे, यूज करेंगे वही मैं भी यूज करूंगा। तो डिलीट करने का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और इसे हम भी डिलीट करेंगे, 8 फरवरी तक का टाइम है, हम भी करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी करना है तो कैसे करना है वो देखिए, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और अब व्हाट्सएप कैसे डिलीट करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको देखना है उसमें, और फिर स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको जो ऊपर 3 डॉट मिलते हैं उस पर क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में अपने जाइए, मतलब अकाउंट वाले में, और अकाउंट वाले में आप जाएंगे तो फिर नीचे ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे डिलीट माय अकाउंट, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना नंबर डालना है, इंडिया आपने सेलेक्ट कर रखा है, नंबर आप यहाँ फिल कर देंगे और जिस नंबर पर व्हाट्सएप आपका चला हुआ अगर आप यहाँ डालेंगे और डिलीट माय अकाउंट कर देंगे, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये छोटा सा ऑप्शन है, एक तरीका है, प्रोसेस है, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को प्रेस करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका व्हाट्सएप डिलीट होगा लेकिन आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो सही तरीका ये है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन आगे आपको शेयर नहीं हो पाएंगी। लेकिन वही क्वेश्चन कि इसकी जगह कौन सा ऐप यूज़ किया जाए, जैसे टेलीग्राम है जिसके बारे में सुना गया है, और एक सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में सुना गया है। तो प्लीज़ ज़रूर बताएं अपने राय क्या है, आपकी राय क्या आप यूज़ करने वाले हैं और क्या सभी लोगों के लिए बेहतर होगा ऑप्शन, वो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप स्टेटस भी कर लेना जब तक आप चला रहे हो, तब तक तो कर ही दो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।